नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। मैं हूँ शेफाली और आज डिस्कशन करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। आज का वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। इट डजेंट मैटर कि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अपने एकेडमिक्स की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 10th में हैं, 12th में हैं, आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी एग्जामिनेशन, आप अपनी लाइफ का कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, ये सभी के लिए एक एक बहुत ही बोल सकते हैं बेसिक सा डूज एंड डोंट्स है कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लास्ट डेज में प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। क्योंकि हम यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। आपका जो भी विषय हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसको जितनी भी डिटेल्स हैं आप उनको उस चीज से रेफर करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी कि कल मैंने आपको कुछ डेट शीट एग्जामिन करके बताया था या एनालिसिस करके बताया था। वहां पे लास्ट के जो डेट्स हैं, 2 दिसंबर तक तो बिल्कुल ठीक था, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर की जो डेट्स थी, 2 दिसंबर का तो आपका एग्जामिनेशन गैप है, 3, 4 और 5 की जो आपकी एग्जामिनेशन थी वहां पे अक्टूबर बाय मिस्टेकली लिख गया था क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप दिसंबर कंसिडर करके समझिएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियसली जो आपका अक्टूबर का समय है वो भी खास तौर पे 2, 3, 4, 5 ये बीत चुका है, तो दिसंबर की ही बात होगी। हालांकि शुरुआत में मैंने इस चीज को क्लियर किया था, तो वहां पे 3, 4, 5 दिसंबर होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी सारे जितने भी डेट्स हैं कोई भी पेपर छोड़ा नहीं है, सभी को इंक्लूड किया हुआ है, और एक बार डिटेल में डीप में आप उसको देखेंगे, थॉरली समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डूज एंड डोंट समझेंगे, लास्ट डेज प्रिपरेशन के क्या कुछ होनी चाहिए, दोनों ही पेपर के लिए बात करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि मैम आपने पेपर 1 के लिए बताया, पेपर 2 के लिए नहीं बताया। हालांकि डिटेल्ड में मैं आप की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके ऊपर लगभग मोटिवेशनल प्लस स्ट्रैटेजिकल वीडियो ऑलरेडी 20 से 25 मिनट का मैंने पहले ही बना दिया है, 2 वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना लास्ट में भी आपको मिल जाएगा लिंक। तो बात करते हैं आज पेपर 1 के बारे में। सबसे पहले तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस, 2018 के बाद आपका सिलेबस हो चुका है अपडेट। अपडेटेड सिलेबस आपके टिप्स पे होनी चाहिए, 10 यूनिट्स है, हर यूनिट का नाम पहले आपको पता होना चाहिए, कौन सी यूनिट किस नंबर पे है और हर एक यूनिट के अंदर का टॉपिक क्या है, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि कितने यूनिट है, सिलेबस का मतलब ये यूनिट्स के अंदर में टॉपिक कौन कौन से हैं। कंप्लीट सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए ताकि जब भी आप क्वेश्चन पेपर लगाने बैठे आपको पता चल जाए, आपका माइंड तुरंत क्लिक हो जाए कि ये टॉपिक इस यूनिट का है और इस यूनिट के इस सब टॉपिक के अंदर में है। हाइपोथेसिस, रिसर्च एप्टीट्यूड, कई रिसर्च की जो स्टेप्स हैं या जो आपके बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है उसके अंदर का टॉपिक है, आपको वहां से ये चीज तुरंत क्लिक हो जाए। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि प्रैक्टिस करना है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थॉरली। अब लास्ट मिनिमम 7 ईयर्स के पेपर्स को आप लगा लीजिए, लास्ट आपका जून 2020 में एग्जाम हुआ था तब से लेकर के उसके पहले के 7 साल के मिनिमम लगा लीजिए, 10 साल के आप लगा लेते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम 7 साल के आपको लगाने हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस है आपको उन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए चलना है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, डिटेल में बताया वो देख लेना, यहाँ पे तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ। सॉल्व करना है आपको एमसीक्यूज जो कि बुक में दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट में मत जाइए क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है ये कोई यूपीएससी के एग्जामिनेशन के जैसा नहीं है, ये कोई सब इंस्पेक्टर या जो आपके जो दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं ये उनके जैसा नहीं है। तो आप प्रैक्टिस सेट्स पे जाने के बजाय आपके बुक में जो एमसीक्यूज होते हैं, जैसे कि अगर आप पियर्सन की बुक से अगर आप पढ़ रहे हो या अगर आप अरिहंत की बुक से पढ़ रहे हो या अगर आप उपकार से पढ़ रहे हो या किसी भी आप बुक से पढ़ रहे हो पेपर 1 के लिए, तो उसमें एनफ क्वांटिटी में एमसीक्यूज दिए होते हैं। मेक श्योर कि जो आंसर उसमें दिए हैं आप सही आंसर, क्योंकि बहुत सारे बुक में क्या है ना कि आंसर जो है पीछे जो दिए होते हैं वो गलत होते हैं। अगर आपको टॉपिक पता रहेगा, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप क्लिक कर जाओगे किसका आंसर जो बुक में दिया है सही है या वो गलत है, ठीक है। तो बुक्स से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, अलग से आपको एमसीक्यूज के लिए कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं, यूजीसी नेट में जरूरत नहीं। अगर आप किसी और एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट को खरीद सकते हैं। आपको 4000 के आसपास क्वेश्चन, 4000 से 5000 के आसपास के जो क्वेश्चन है दोनों पेपर 1 और 2 का मिला करके आपको गो थ्रू कर लेना है, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करो या किसी भी एग्जामिनेशन की। लास्ट आए हुए और एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड, सब मिला करके
मिनिमम 5,000, 4,000 से 5,000 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी आंखों के सामने से बस मतलब आंखों में एक बार आ जाने चाहिए, उससे पैटर्न पता चल जाएगा आपको। क्लियर करना है सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर क्वेश्चन टॉपिक वाइज होगा, ठीक है, कंसेप्ट वाइज होगा। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको कंसेप्ट वाइज क्लियर करिए। जैसे एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन के अगर चार ऑप्शन है तो कोई एक ही ऑप्शन होगा जो कि इस क्वेश्चन का सही होगा आंसर, बाकी के थ्री जो आपके ऑप्शंस हैं इनके भी कंसेप्ट आपको एक्सप्लोर करने हैं, और इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को क्लियर करना है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है थॉरली अच्छे से, और एमसीक्यूज को सॉल्व करना है अच्छे से, तो इसका मतलब अच्छे से का मतलब क्या होता है? अच्छे से मतलब का ये कि अगर उस क्वेश्चन में कोई एक सिंगल वर्ड भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसका भी मीनिंग आप डिक्शनरी में ढूंढिए, गूगल में ढूंढिए, और उसको वहीं पे लिख लीजिए, ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई भी शब्द एग्जामिनेशन में कितना भी ट्विस्ट करके आए तो आपका वो मिस्टेक ना हो, रॉन्ग ना हो। हम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, चाहे प्रीवियस ईयर के या आपके मॉक टेस्ट लगा रहे हो या एमसीक्यूज आप कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ताकि ये क्वेश्चन या ऐसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए तो मेरा मिस्टेक ना हो। सिर्फ खाना पूर्ति तो करना नहीं है, नाम तो ये करना नहीं है कि हमने सेट्स लगा लिया या हमने एमसीक्यूज लगा लिया, उसको समझते हुए लगाना है। यही भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उन्होंने 10 क्वेश्चन लगाए, 20 क्वेश्चन लगाए, फिर हो गया खत्म उनका। अगर आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो उस पर वो रिव्यू भी नहीं करते हैं। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको टीचर्स या कोई भी लगाने के लिए इसीलिए बोलता है, तरीका यही होता है। तो सही तरीके से आपको करना है, और ये तरीका अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए, मतलब यही एक सही रास्ता होता है कि आपके जो आंसर्स है वो सही आना शुरू हो जाते हैं। आपको एनालाइज करना है मॉक्स को लगा करके। कोशिश ये करिए कि अगर लास्ट के 15 डेज अगर आपके बचे हुए एग्जामिनेशन के, जैसे हमारे केस में आज 24 है, और सॉरी 25 है आज, ठीक है, आज 25 है और आपका एग्जामिनेशन 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमारे पास में है 15 से 20 दिन का वक्त, हमारे पास में है 15 से 20 डेज का हमारे पास में वक्त है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब ये कि बिल्कुल आप टाइमर रखिए अपने सामने, आंख के सामने, और वहां पे प्रॉपर देखिए, क्योंकि आपका पेपर वन जो है वो 1 घंटे का वक्त का है पेपर। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 1 आवर में आपका कितने क्वेश्चंस लग रहे हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ में लग रहे हैं। मॉक का मतलब ये होता है कि प्रॉपर टाइमर के साथ में, जैसे आप रियल एक वर्चुअल एक्सपीरियंस लेते हैं हॉल में बैठ करके, कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ करके आप क्वेश्चन पेपर सेट्स लगाते हैं, आप वैसे ही मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, और एनालाइज करिए खुद को। मॉक टेस्ट एमसीक्यू से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट होता है। मॉक का मतलब ये कि आप एग्जैक्टली वैसे ही सिचुएशन में हो जैसे ही आप एग्जामिनेशन वर्चुअल सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में आने वाले हो। अपनी स्पीड को जरूर से देखिए, आपको मिलेंगे सिर्फ 1 घंटे पेपर वन के लिए, तो मेक श्योर अपनी स्पीड को जरूर से देखिए। ज्यादातर टाइम जो है आपको आरसी में, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सॉल्व करने में थोड़ा वक्त चाहिए होता है, और डीआई में कैलकुलेशन करना होता है, तो इन दोनों यूनिट्स के लिए, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए वक्त बचाइए। वक्त बचाने का तरीका यही है कि बाकी और क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जब आप मॉक देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, तो आपका जो एक स्पीड है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। अपने टारगेट्स को, लास्ट है क्या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अपने टारगेट्स को सेट करिए कीपिंग इन द माइंड लास्ट ईयर के कट ऑफ, जो भी आपके सब्जेक्ट के लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है। अब आपके सब्जेक्ट के लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या है वो मैंने ज्ञानड्डा बाय शिफाली टेलीग्राम जो लिंक है, चैनल है हमारे चैनल पे, मैंने सबसे ऊपर पिन किया हुआ है, तो आप अपने लास्ट ईयर के कट ऑफ वहां पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम से अगर आप जुड़े नहीं है तो आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करना कुछ नहीं, सिर्फ क्लिक करना है और आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम के चैनल से। वहां पे हम जो भी पेपर वन की क्लासेस कर रहे हैं, पेपर वन की जितनी भी कंप्लीट वीडियोस है, क्लासेस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट है, वो सब चीज मैं अपने खुद के चैनल पे करा रही हूँ। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ रुपए, 1 रुपए नहीं देना है, बस एक पॉजिटिविटी के साथ क्लासेस को अटेंड करना है। तो क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, हमारे साथ भी तैयारी करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास आगे पीछे होती है तो हम टेलीग्राम के थ्रू नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लोगे तो भी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइए, अच्छी चीज है। आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है टेलीग्राम पे।
तो लास्ट ईयर का जो आपका कट ऑफ है उसको अपने माइंड में रख करके अपने कट ऑफ को सेट करिएगा। मान लीजिए कि आपका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया हुआ है वो 62% है, तो आप इसका प्लस 2-3% जीआरएफ की कट ऑफ अगर 62% गई है तो प्लस 2-3% का आप टारगेट हमेशा हाई सेट करके चलिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर 58 गई हुई है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से नहीं, आप हमेशा अपना कट ऑफ जो है वो जीआरएफ के हिसाब से सेट करिए, वो भी 2-3% बढ़ा करके जो भी लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी। आपको एक अच्छी दिशा मिल जाएगी, एक अच्छा आपको वे मिल जाएगा आगे करने के लिए। ये कुछ चीजें थी पेपर वन के लिए। पेपर वन में आपको 40% और पेपर टू में आपको 40% मिनिमम चाहिए होते हैं एग्रीगेट दोनों का मिला करके, कि पेपर वन और पेपर टू में मिला करके 40% मिनिमम आनी चाहिए, फिर आपकी जो कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। 40% तो मिनिमम ही मिनिमम है, कितने तो बेयर मिनिमम आपके आने चाहिए दोनों का मिला करके एग्रीगेट, पेपर वन और टू दोनों को मिला करके 40% आना चाहिए, ठीक है। ये बेयर मिनिमम है, बाकी तो कट ऑफ बनती है ऊपर, क्योंकि ये क्वालिफाइंग तो होता नहीं, कट ऑफ इसमें चलता है। अब बात करते हैं पेपर टू की। अब आपका जो भी विषय हो पेपर टू में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, जो भी विषय हो आपका पेपर टू, ये सभी के लिए है। आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हुआ है पढ़ाई, ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट की, वही आप पेपर टू में लेते हो या उसी से मिलते जुलते सब्जेक्ट्स की लेते हो, उसी से रेलिवेंट मिलते जुलते सब्जेक्ट्स की लेते हो, या अगर वही मिल जाता है ऑप्शंस में, क्योंकि टोटल 84 सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर टू के जो यूजीसी नेट आपको ऑफर करती है, 84 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आपका सब्जेक्ट डायरेक्टली मिल जा रहा है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, वरना उनसे जुड़े हुए किसी विषय में आप कर सकते हो, ठीक, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो पेपर टू में आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी तैयारी काफी करके रखी हुई है, उसका सिलेबस और आपके जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो पेपर टू का जो सिलेबस है वो आपको टिप्स पे अगेन होना चाहिए जो यूजीसी नेट ने दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको मेक श्योर करना है कि नोट्स को आपको प्रतिदिन 2 बार पढ़ना है। ये चीज मैंने पेपर वन के लिए नहीं बोली थी, ये चीज पेपर टू के लिए है, क्योंकि पेपर टू थोड़ा सा आपका क्या होता है, इसमें क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है क्या आपका पेपर टू, और चूंकि ये आपका खुद का भी विषय रहा है, खुद का सब्जेक्ट रहा है, और पेपर टू ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, कंसेप्चुअल से ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, तो इसलिए आपको इसमें नोट्स एटलीस्ट 2 बार आप उसको रिवाइज करिए। अब नोट्स चाहे आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, आप चाहे सब्जेक्ट से बना लीजिए, क्योंकि सिलेबस आपको पता है तो आप नोट्स बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आप चाहे तो नेट की बुक को बाय करके बना सकते हैं, यूजीसी नेट की बुक मार्केट में बहुत सारी मिलती है, आप बोलेंगे तो मैं आपको अच्छी बुक बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक मैंने डाल के रखी हुई इस वीडियो के, आप चाहे तो अगर आपकी विषय की मिल जाएगी तो वहां से भी ले सकते हैं, वरना अगर आपकी कोई विषय की बुक है आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बता सकती हूँ, या आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। खुद से नोट्स बनाने का मतलब कुछ ऑनलाइन मटेरियल आपने ले लिया, जो हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वहां से आपने कुछ नोट्स बना लिया, कुछ आपके जो पहले के जो बुक्स थी, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया था वहां से भी आपने कुछ कुछ नोट्स बनाए होंगे, तो वहां का एक पूरा कलेक्टिव समावेश, कई जगह से आपने नोट्स बना लिया और वहां से आप पढ़ रहे हो। देखो नोट्स आपका तभी काम आएगा जब आपको आपका सिलेबस पता होगा, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता चल रहा है कि आप नोट्स उनका पढ़ रहे हो जो सिलेबस में आपके है ही नहीं, तो यूजीसी नेट का जो पेपर टू का आपका सिलेबस है, चाहे जो भी आपका पेपर हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी 84 सब्जेक्ट में से कोई भी पेपर हो, आपका सिलेबस यूजीसी नेट के हिसाब से आपको पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस के हिसाब से नहीं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो बहुत वाइडर है, बहुत बड़ा है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और इसमें बेसिक्स पूछता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने किया होगा उसमें आपने डिटेल डीप में, आपने एक विषय के ऊपर पूरी बुक पढ़ी होगी। मान लीजिए अगर विपणन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें हम, तो आपने जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर की बात करें तो पूरा आपने एक बुक पढ़ा, लेकिन यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर में एक सब्जेक्ट है 84, है ना, तो उस सब्जेक्ट के अंदर में 10 यूनिट्स है। यहाँ पे आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, यहाँ पे आपको जो बेसिक जितनी आपका एग्जामिनेशन में बन जाए सिर्फ उतना पढ़ना है। जैसे कम्युनिकेशन पूरी एक बुक थी, कम्युनिकेशन पूरी एक बुक थी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, कोई चीज बुक होना, पूरा उसमें पढ़ना और एज ए सब्जेक्ट पढ़ना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, नोट्स को 2 बार पढ़ना है, एक बार सुबह पढ़ लीजिए, एक बार रात को पढ़ लीजिए, और नोट्स को ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है, मतलब हमें रट्टू तोता की तरह नहीं पढ़ना है, हमें रीड करना है।
है ना, क्योंकि नोट्स आपने बनाया है तो ऑब्वियसली समझ के बनाया होगा। एक बार सुबह पढ़ लीजिए, एक बार शाम को, रात को सोने से पहले पढ़ लीजिए। रात को सोने सोने से पहले पढ़ने से एक फायदा ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तब भी वो चीजें, उनसे जुड़ी हुई चीज जो हम पढ़ के सोए होते हैं वो हमें रिकॉल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक चैतन्य भाव से जो चीज पढ़ते हैं वही हमारे अचैतन्य बुद्धि में कहीं ना कहीं वो फिट होती है ना। तो वो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने नोट्स को आपको रिवाइज करना है ट्वाइस अ डे। जो भी आपने थोड़ी ज्यादा जैसी भी एक लाइन दो लाइन की 15-20-50-100 पेज 25 पेज जितनी भी बड़ी आपने नोट्स बनाई हो, ठीक है, आप उसको दो बार पढ़िए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगेन अल्टीमेट है, रामबाण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पेपर आपका 2 है इसका भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, हर एक कंसेप्ट को जो भी क्वेश्चन में दिया है आपको उसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, उस वर्ड का आप डिटेल में समझिए मतलब क्या है। लास्ट के आपके कुछ डेज बचे हुए हैं तो आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे कंसेप्ट को आप डिटेल में समझिए, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हो और क्वेश्चन का मतलब क्या है, नॉट एंड आर नॉट, इसमें क्या अंतर है ये आपको समझना होगा। विच आर, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है, विच इज नॉट, देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछता है, इज नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट इंक्लूडेड एंड इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो नॉट और इज इंक्लूडेड दोनों का मतलब समझ के पढ़िएगा, इससे क्या होगा एग्जाम, बहुत सारे बच्चे क्या है कि इसका आंसर इसमें लगाते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, आप वो लगा देते हैं ऑप्शन जो इंक्लूडेड होता है। तो एक अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ के सही तरीके से उसको इंटरप्रेट, मतलब बच्चे आते जाता है जो सवाल है उसको बिगल करके चले आते हैं। नई चीज को आप बिल्कुल भी ना पढ़िए लास्ट के अगर 10 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं, तो मैं कभी भी एडवाइज नहीं करूंगी कि आप न्यू कंसेप्ट को पढ़िए, अनलेस अनलेस आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक आपने पढ़े हैं वो पूरे पक्के आपको तैयार हो गए हैं। अगर जो अभी तक आपने पढ़े हैं नोट्स के थ्रू या जो भी जैसे भी आपने पढ़ाई की हुई है, चाहे नोट्स के थ्रू, चाहे प्रीवियस ईयर, चाहे एमसीक्यूज, या अगर वो आपको क्लियर है एकदम अच्छे से याद है, सिर्फ आपको रिविजन रिविजन करना है, तब तो आप कुछ उसमें एडिशनल उसके अंदर में जाकर के सब कॉन्सेप्ट्स टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा उसमें हाथ लगाने की कोशिश करिए, वो भी थोड़ा थोड़ा, बहुत जरा जरा सा। लेकिन अगर आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स को आप रिवीजन करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वक्त देना चाहते हैं, तो वहीं पे वक्त दीजिए, वहीं पे आप टाइम दीजिए, कोई नया टॉपिक को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। जितने आपके आपने पढ़ाई किया हुआ है उतना एनफ है, उसको आप प्रिपरेशन करिए। आप एक साल से, क्योंकि यूजीसी रेट का जो एग्जामिनेशन लास्ट एक साल से नहीं हुआ है, तो एक साल में आपको काफी इनफ वक्त मिल गया होगा। और जो जून वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी काफी वक्त मिल गया होगा, क्योंकि आपका पेपर नवंबर में हो रहा है, तो 5-6 महीने का वक्त जो होता है वो पर्याप्त होता है पढ़ने के लिए। और ठीक है, तो ये कुछ आपके पेपर 2 की स्ट्रेटजीज थी जिनको आपको जम के फॉलो करना है। अब इसके अलावा कुछ एक मैंडेटरी रूल्स भी है, क्या है, साउंड स्लीप लेनी है, अच्छी खासी नींद लेनी है, 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी होती है, मिनिमम 8 घंटे की नींद आप लीजिए। पढ़ाई कभी भी प्रेशर में नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखिए। मन नहीं लग रहा है तो कुछ देर पुस्तकों को बंद करके जाइए बाहर, अपने फैमिली के साथ बैठिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, घूम लीजिए, आउटिंग कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, सिंपल सी एक बात है। प्रेशर में रह करके पढ़ाई नहीं होती है, जितना पढ़ाई आप कूल माइंड से करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। प्रेशर में कितना भी पढ़ लोगे वो याद नहीं रहेगा, ना ही आपके कॉन्शियस माइंड में, ना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अच्छा खासा डाइट होना बहुत जरूरी है, शरीर के अंदर प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज जाना बहुत जरूरी है, और प्रोटीन और पोटेशियम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसे शरीर को, मस्तिष्क को ताकत मिलती है बैठने की, समझने की, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसको मेमोराइज करने की, और लंबे समय तक उसको रिटेन करने की, रिकॉल करने की जो ताकत है, क्षमता है, वो बढ़ती है। आपका शरीर ही आपका सच्चा साथी है, ये बात मान के चलिए। एग्जामिनेशन आएंगे जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, वो सब ठीक है, जिंदगी आज यहां है कल न जाने कहां रहेंगे। एक चीज जो आपका हमेशा साथ देगा, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, जो आपका शरीर है वही आपका साथ देने वाला है। अगर आज आपका हाथ उठ करके ग्लास तक नहीं जा रहा है, पानी भी नहीं उठा पा रहे हो, दुनिया की कोई ताकत आकर के आपको पानी नहीं देगी, और अगर पानी आकर के देती भी है तो सिर्फ आपके माता पिता देंगे, वो भी कुछ समय तक देंगे। ज्यादा आप इसी तरीके से परेशान कर मतलब करोगे तो फिर वो भी आपको सुनना पड़ेगा 4 बातें लोगों की, है ना। तो आपका शरीर ही आपका सच्चा साथी है, ये चीज मान के चलिए। तो प्रॉपर डाइट आप लीजिए, अच्छा खान पान अपना करिए, और
हरी सब्जियां ज्यादा ज्यादा अपने डाइट में लीजिए। ये चीज सिर्फ एग्जामिनेशन के वक्त के लिए नहीं है, ये जिंदगी भर के लिए मूल मंत्र है। एक चीज माय डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, आपका सच्चा साथी कोई है तो आपका खुद का शरीर है। बस डोंट सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वन गो। एक बार बैठो तो ये नहीं कि भाई हम 4 घंटे तक उठेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप ब्रेक ले लेकर के आपको पढ़ना है, पढ़िए कंसेप्ट को पढ़िए, फिर जाइए ब्रेक लीजिए। अच्छा लग रहा है तो आप बैठ सकते हैं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। और समय के ऊपर में आप फोकस मत करिए, है ना। डोंट फोकस ऑन टाइम कि भाई मैं मुझे 4 ही घंटे पढ़ने हैं, मुझे 6 ही घंटा पढ़ना है, मुझे 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, आपको कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना है। जैसे 10 आपने सपोज करो कि आपने आज दो पूरा पेपर सॉल्व किया, ठीक है, आपने पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके आपने 2 सेट लगा लिया, 2 सेट लगाया और 2 सेट आपका टारगेट क्या है कि दोनों ही सेट को मुझे एक्सप्लोर करना है, जो जो मुझे नहीं समझ में आया है, जो जो अब भाई ऑब्वियस 150 क्वेश्चन है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 150 के 150 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हों। कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आए होंगे। तो जो क्वेश्चंस नहीं आए, मान लीजिए 50 क्वेश्चन पहले में से नहीं आया, 50 क्वेश्चन दूसरे में से नहीं आया, एक सेट से 50 क्वेश्चन नहीं आया पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, दूसरे सेट से, एक सेट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही होता है, ठीक, दूसरे सेट में से भी 50 क्वेश्चन, ठीक है। आज हम 50 क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, कल हम 50 क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे करिए कि आज हम 50 क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, एक बार बैठेंगे 10 क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, फिर दोबारा बैठेंगे फिर 10 क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, मन लग गया तो और ज्यादा बढ़ा लेंगे। ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि भैया हमको 4 घंटे बैठ के पढ़ना है, भले ही 4 घंटे में आप एक ही टॉपिक पे लटके हुए हो, ऐसा नहीं। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, घंटे वाइज नहीं पढ़ना है। जिंदगी में ऐसा मत करना, हो सकता है मन ज्यादा लग जाए तो आप ज्यादा समय भी दे देना कि भाई 4 घंटा हो गया, 4 घंटा बीत गया तो हमें यहां पे बैठना ही नहीं है। स्ट्रेस को अवॉइड करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिए। चिंतन करना अच्छी बात है, चिंता करना गलत बात है। पॉजिटिव सोचिए, यू स्ट्रेस सही है। यू स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि एक हल्का सा दबाव दिमाग में होना चाहिए कि हमारा 20 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। और जब हमें डेट शीट मिल जाती है तो हमें एक रास्ता मिल जाता है आगे कुछ अपना तैयारी और मजबूत करने के लिए। एक पॉजिटिव वे में आप थोड़ा सा एक प्रेशर है तो बस ठीक है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और भी अच्छा है। फिर वो होगा जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमने वो किया जो हमें चाहिए था, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो होगा जो ऊपर वाला चाहता है, वो भी ऊपर वाला कभी बुरा नहीं चाहेगा। इतना तो मानते हो ना भाई, ऊपर वाला कभी बुरा तो चाहेगा ही नहीं। लास्ट एक चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसका कोई विकल्प नहीं है, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क, मुझे तो स्मार्ट वर्क ठीक है, होता है स्मार्ट वर्क, लेकिन स्मार्ट वर्क के अंदर भी हार्ड वर्क निहित होता है। ऐसा कोई भी स्मार्ट वर्क नहीं है जो आप एक जगह बैठ करके करोगे हो जाएगा। स्मार्ट वर्क में भी कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, पेशेंस जरूरी होता है और उसमें भी मेहनत लगती है, ठीक है। जो लोग कंप्यूटर पे बैठ करके चीजों को करते हैं उसको स्मार्ट वर्क की गिनती में डाला जाता है। तो स्मार्ट वर्क, जैसे कि पहले लोग मैन्युअली बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड लिखते थे, वो एक हार्ड वर्क था। ऐसा लोग कहते हैं हार्ड वर्क था कि कॉपी पेन में आप बनाओ लिखो, वो हार्ड वर्क है। भैया कंप्यूटर में भी आप टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, पीपीटीज बना रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, ये हार्ड वर्क नहीं है। आपने इसको स्मार्ट वर्क का नाम दे दिया, ठीक है। स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क निहित होता है। तो हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं, रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में ये आपकी जिंदगी का ना पहला एग्जाम है ना ही आखिरी एग्जाम है। जिंदगी आपसे हर मोड़ पे नई परीक्षा लेगी। आज यूजीसी नेट के फॉर्म में ले रही है, या आप जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें उस फॉर्म में ले रही है, कल किसी और फॉर्म में लेगी। ये आपकी जिंदगी का पहला एग्जाम नहीं है। 10th भी दिया होगा, 12th भी दिया होगा, ना जाने कितने यूनिट टेस्ट दिए होंगे, ना जाने कितना आपने क्लास टेस्ट दिया होगा, एकेडमिक्स कितने एग्जामिनेशन दिए होंगे, ना जाने कितने एग्जामिनेशन दिए होंगे। कोई पहला और आखिरी एग्जाम नहीं है। इसलिए अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए कि अपना बेस्ट अटेम्प्ट आप दीजिए, देने का कोशिश करिए, और कॉन्फिडेंट रहिए, एकदम कॉन्फिडेंस कि जो आप पढ़ रहे हैं वही सही है और वही एग्जामिनेशन में आएगा, ये सोच करके आप बिल्कुल पढ़ाई करिए। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है। मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सारा सारा एग्जाम सही हो रहा है, अब मुझे प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। नहीं, आता है तो भी प्रैक्टिस करनी है। वो कछुए और वो एक रैबिट और टर्टल वाली स्टोरी सुनी है, रैबिट और टर्टल वाली। तो जो बच्चे 1 साल से वेट कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर आप रैबिट वाले उसमें ना जाना कि भैया हम तो 1 साल से तैयारी करें, हमारा तो सारा कंप्लीट है, हमें कुछ नहीं करना है, फिर टर्टल जीत जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओवर कॉन्फिडेंट भी अच्छा नहीं और अंडर कॉन्फिडेंट भी अच्छा नहीं है। और एक चीज और,
कि ये आपके जीवन की लास्ट डेस्टिनी नहीं है, ठीक है ना। आपको आपकी लाइफ में कुछ आगे करना है, अच्छा करना है, बड़ा करना है, सुंदर करना है, कि दुनिया देखे, रिकॉग्नाइज करे और आपको भी अच्छा फील हो, यही करना है ना। ये आपकी लास्ट भाग्य तो है नहीं, ये आपका लास्ट डेस्टिनी तो है नहीं, आप सिर्फ एक अटेम्प्ट दे रहे हो और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। अपने में बिलीव करिए कि आप कर सकते हो। जेआरएफ के नीचे अपने से वादा ना करो, जेआरएफ के नीचे अपने से वादा ना करो, हमें जेआरएफ चाहिए ही चाहिए। वीडियो के कोई भी एक बात मेरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल पे आप सभी के लिए लाते हैं। पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपके लिए करा रहे हैं अपने ही चैनल पे। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दूसरी एक सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जिसमें मैं कहती हूँ कि पैशनेट बनिए और अपना मोटिवेशन आप खुद बनिए। एक स्टोरी जो हमेशा मैं बच्चों को सुनाती हूँ, शायद आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको ये स्टोरी सुना देना चाहती हूँ कि देखिए, ऊंचाई में सबसे लंबा कौन होता है? पशुओं में जिराफ होता है, ठीक। और दौड़ने में सबसे ज्यादा तेज कौन होता है? चीता होता है, होता है ना, चीता होता है जो सबसे तेजी रफ्तार से दौड़ता है। और सबसे हैवी वेटेज हाथी होता है, हाथी। ये तीनों ही पशु अपने अपने फील्ड में सबसे आगे है, महारथ है, लेकिन तीनों में से कोई राजा नहीं होता है। राजा कौन है? शेर, जिसमें ये तीनों ही क्वालिटी नहीं है। तो राजा बनने के लिए ये तीनों क्वालिटी की होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। मतलब किसी एक व्यक्ति ने, किसी ने जाके शेर से पूछा कि भाई तुम तो जिराफ के जैसे लंबे भी नहीं हो, और तुम चीता के जैसा उतना तेज भी नहीं तुम दौड़ते हो, और तुम हाथी के जैसे तुम बलवान भी नहीं हो और उतने हैवी भी नहीं हो, तुम राजा कैसे हुए भाई, तुम राजा कैसे हो? शेर बोलता, मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। तो आपको मानना है कि आपकी तैयारी जेआरएफ के हिसाब से है, जेआरएफ आपको चाहिए इसलिए आपको जेआरएफ मिलेगा। अगर आप सोच रहे कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तैयारी नहीं, तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा। आप मानिए कि आपका जेआरएफ होगा। अब मान लिया जब इस बात को दिल से, सच्चे मन से, बुद्धि से उस पर काम किया, तो जेआरएफ मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये अखंड सत्य है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हमारी 9 बजे से क्लास है, चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, आज डिस्कशन करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। टाटा।